नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम एक्टर शैलेश लोढ़ा ने शो के प्रोड्यूसर अर्षित मोदी के खिलाफ केस जीत लिया है। रिपोर्ट्स की माने तो अब मोदी को सेटलमेंट के तौर पर शैलेश को डिमांड ड्राफ्ट के जरिए 1,05,84,000 रुपए का अमाउंट देना होगा। इस पर बात करते हुए शैलेश लोढ़ा ने कहा, यह लड़ाई कभी पैसों की थी ही नहीं, यह इंसाफ और सेल्फ रिस्पेक्ट की लड़ाई थी। मुझे लग रहा है कि मैंने युद्ध जीत लिया और मैं खुश हूँ कि सच सामने आ गया। मैं किसी के झुकने पर भी नहीं झुका। करीबन 14 साल तक एक फेमस टीवी शो में टाइटल रोल प्ले करने वाले लोढ़ा ने 2022 में बिना कोई वजह बताए शो छोड़ दिया था। उन्होंने कहा था कि वे सही समय आने पर इस बारे में बात करेंगे। इसके बाद यह अफवाह थी कि एक्टर ने अपना बकाया ना चुकाने के लिए मेकर्स को फटकार लगाई थी। जूम एंटरटेनमेंट के मुताबिक शो छोड़ने पर शैलेश ने अपने साल भर के बकाया भुगतान के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का दरवाज़ा खटखटाया था। इसके बाद दिवाला और दिवालियापन की धारा 9 के तहत के मामले में सुनवाई की गई और सहमति की शर्तों के अनुसार दोनों पक्षों के बीच समझौता किया गया। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।